या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। नई जिंदगी सहारा नगर येथील नगरसेवक अजहर हुंडेकरी यांच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवण्यात आलेल्या मोफत टू व्हीलर लर्निंग लायसन्स शिबिर व मतदान नोंदणी अभियानाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळालाय। मदिना चौक येथील सहारा मल्टीपर्पज हॉल येथे या शिबिराचे उद्घाटन मौलाना हरीस यांच्या हस्ते रिबीन कापून करण्यात आले असून यावेळी अनेक मान्यवरांनी या शिबिराच्या कार्यक्रमस्थळी भेट देऊन अजहर हुंडेकरी यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे। अनेक मान्यवरांनी अजहर हुंडेकरी यांच्या वाढदिवसानिमित्त कार्यक्रमस्थळी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत। त्यावेळी या शिबिरास मोठी गर्दी झाली होती, तर आज शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतही मोफत प्रभाग 20 व 21 मधील नागरिकांसाठी हे शिबिर खुले आहे। याचा फायदा नागरिकांनी घ्यावा असे आवाहन यावेळी माजी नगरसेवक अजहर हुंडेकरी यांनी केलंय। जी आज यहाँ पे मदीना चौक नई जिंदगी में सहारा मल्टीपर्पज़ हॉल में हमारे हरदिल अज़ीज़ नगर सेवक और कॉरपोरेटर आली जनाब अजहर भाई हुंडेकरी, इनके आज यहाँ पर 37वें यौम पैदाइश और जन्मदिन के मौके पर तमाम ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान बच्चे और साथी हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनके लिए इन्होंने फ्री ड्राइविंग लाइसेंस का जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंतज़ाम और कैंप मुनाकिद किया है। मैं सबसे पहले उनकी आज की इस दिन पर बहुत दिल की गहराइयों से उन्हें दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत के साथ कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए और मज़ीद ज़िंदगी उनको अता फ़रमाए और उनकी जो खिदमतें अब तक हुई है अल्लाह ताला उनको कबूल भी फ़रमाए और हम तमाम लोगों का साथ और तआवुन उनके लिए शामिल हो ऐसी अल्लाह ताला शक्लें और सूरतें पैदा फरमाएं। और ख़ास तौर पे आज इन्होंने ये जो प्रोग्राम किया है ये बहुत ही बेहतर और ज़रूरत का इस माना करके है कि ये जो है एक तरफ से प्रशासन को भी एक तरह का तआवुन और मदद है। ये जो RTO में बच्चे जाते हैं, पहले तो जो लाइसेंस के लिए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो सारी परेशानियों को दूर करते हुए यहाँ पर जो इन्होंने रखा है ये वजह से बहुत अहम है। दूसरा, गाड़ियाँ जो चला रहे हैं हम लोग तो शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है कि हम जो है बग़ैर लाइसेंस के जो है गाड़ी चलाएं, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है कि ये एक तरफ हमारे नौजवान साथियों को कवानीन की पाबंदी का एक सबक यहाँ से मिलता है और दूसरा प्रशासन को भी एक तरीके का एक तआवुन और मदद है। ऐसा ही प्रोग्राम आज यहाँ पर हमारे हरदिल अज़ीज़ नगर सेवक आली जनाब अजहर भाई हुंडेकरी यहाँ और इनकी पूरी टीम ने जो मुनाकिद किया है, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ और फिर एक मरतबा उनकी सेहत आफियत के साथ उनकी ज़िंदगी की बढ़ोतरी और कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे अजहर भाई का सालगिरह है। सालगिरह के मौके पर इन्होंने एक ऐसा अहम काम करे, जबकि मैं 2-3 साल से मैं खुद तरस रहा हूँ मेरे बहू और बेटी का ड्राइविंग लाइसेंस काटने के लिए। RTO ऑफिस को जाने आने का वक्त वो बहुत ज़्यादा हुआ। अभी आज इन्होंने जो ये काम को अंजाम दे गया अकेले, इससे हमारा और बहुत से लोगों का वक्त भी बचता है, पैसा भी बचता है
और अपने माँ बहने वहाँ तक जाना बोलते रिक्शा से जाओ, रिक्शा से जाओ, वहाँ का टाइम अलग। तो ये मामूली सा इन्होंने ये काम करके सब माँ बहनों के सबकी दुआ ले रहे हैं। अल्लाह ताला ये दुआ के वजन से इनका और वजन बढ़न दे, हर कदम पे अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे दे। ये मैं हमारे पूरे सहारानगर 1, 2, 3 सभी यहाँ के रहवासी आस पास प्रभाग 21 के सभी नागरिक की तरफ से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। अजहर भाई उंडेकरी को जो है आज के जन्मदिन के मौके पर मुबारक पार्टी की जानिब से और पार्टी कार्यकर्ताओं की जानिब से और मेरे जानिब से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजहर भाई उंडेकरी एक नगर सेवक तो हैं ही हैं, लेकिन कार्यकर्ता में और नगर सेवक में कोई फ़र्क नहीं ऐसा दिखाते हैं हमेशा। वो एक आम कार्यकर्ता की ज़िंदगी उन्होंने बसर की, एक आम इंसान की तरह उन्होंने लोगों के साथ रहा था और हमेशा जो है लोगों के साथ सुख दुख में और लोगों के हर हरी अड़चन में जो है ना हमेशा काम में आने वाला आदमी है। एक विकास पुरुष के नाम से पहचाना जाने वाला सोलापुर में एक नौजवान जाना पहचाना चेहरा है अजहर भाई उंडेकरी। और आज नई जिंदगी सहारा इसकी जो कायापलट हुई है, जो इसकी इतना विकास हुआ है, पूरा सोलापुर इस बात का गवाह है कि अजहर उंडेकरी हमारा वार्ड का नगर सेवक हो। हर वार्ड चाहता है कि ऐसा नगर सेवक हमारे वार्ड का हो और उनको मैं ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में वो तरक्की करें, ऐसे ही लोगों के सुख दुख में और ऐसे ही विकास के काम करते रहें, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज या भागातील लोकप्रिय नगरसेवक अजहर भाई उंडेकरी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित मोफत ड्रायव्हिंग लायसन्स व मतदान नोंदणीचा शिबिर या ठिकाणी सारा मल्टीपर्पज हॉल या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। या ठिकाणी वास्तविक पाहता सध्याच्या घटनेत बघता ड्रायव्हिंग लायसन्स हे काढत असताना नागरिकांना RTO मध्ये भरपूर अडचणी निर्माण होत आहेत, परंतु आज अजहर भाई उंडेकरी व त्यांच्या संपूर्ण मित्रपरिवार यांच्या वतीनं जे आज या ठिकाणी शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे, RTO मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काही पैसे भरावे लागतील, तिथं आपल्याला बराच काळ आपल्याला थांबून, परंतु ते नंबर यूज तर दिवस पण जातं, परंतु इथे मोफत एकही रुपये न घेता एक पैसाही न घेता मोफत या ठिकाणी अजहर भाई उंडेकरी यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी शिबिर संपन्न होत आहे। व आजचा उपक्रम हे असं एक कुठंतरी हे शासनाला एक मदत करण्यासाठी कुठंतरी एक लोकांना गोरगरिबांना लोकांना लोकांपर्यंत एक संदेश आहे की शासनाने कुठंतर मदत करण्यासाठी आज हे शिबिर घेतलं असं बोललं तर काय चुकीचं ठरणार नाही। व मतदान शिबिराचं जे मोफत नोंदणी आहे, अलीकडे सोलापूर महापालिकेचे इलेक्शन असू दे लोकसभा विधानसभा, परंतु इलेक्शन होणार पुढं जाणार हे असं हे घटना चालतच आली आहे, परंतु आत्ताच्या घडीत हालाकीच्या 2022-23 जे ज्यांचं वयोगट 18 आहे ते आत्ता त्यांनी जस्ट कुठे नोंदणी केलेली नाही आहे, त्यांची नोंदणी करण्यासाठी व कुणाचे नाव वगळण्यात आले कुणाचं काही अडचण असू दे त्यांची देखील नाव नोंदणी ह्या ठिकाणी आल्यावर त्यांना भरपूर इथं सोयसुविधा आणि त्यांचं मतदान नोंदणीचं चांगल्या ठिकाणी शिबिर इथं होत आहे। तरी मी सर्व इथल्या प्रभागवासियांना विनंती करतो की जास्तीत जास्त लोकांनी येऊन या शिबिराचं या लाभ घ्यावा। आज सोलापूर महानगरपालिका की एक बुलंद आवाज वो तरुण तड़पदार हमारे माजी नगरसेवक अजहर भाई उंडेकरी इनके जन्मदिन के मौके पर नई जिंदगी विभाग में अलहमदुल्ला ऐसा काम किया जो अलहमदुल्ला आज नई जिंदगी में कोई नगर सेवक कोई समाज सेवक नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर उनके वार्ड दिवस के मौके पर नौजवानों के अंदर जो एक ड्राइविंग लाइसेंस का जो शिविर है, आज ट्रैफिक पुलिस वालों को जितना सामना करना पड़ता है नौजवान लोगों को, अलहमदुल्ला अजहर भाई उंडेकरी के वार्ड दिवस के माध्यम से उनके मित्र परिवार ने बहुत ही बड़ा अच्छा उपक्रम रवाया। मैं उनको दिल के अति गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसी के साथ साथ नई जिंदगी का जो विकास हुआ है, नई जिंदगी का जो कायापलट हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अजहर भाई उंडेकरी की वजह से हुआ है। इस बात की जो है ना इस बात की पूरी गवाही अलहमदुल्ला हमारे यहाँ के प्रभाग के लोगों से देते हैं। मैं आने वाले कल के अंदर अजहर भाई उंडेकरी को बहुत शुभेच्छा देता हूँ, आने वाले कल के अंदर भी अल्लाह ताला इनको इसी तरह से नवाजे ऐसी दुआ करता हूँ। मैं MIM दक्षिण महिला अध्यक्ष अनिसा डोका, आज अजहर भाई इनके सालगिरह के मौके पर आज जो फ्री लाइसेंस और कई कई शिविर मतदान शिविर और ये फ्री एक रुपया नहीं लेते हुए भी ये सब लोगों की खिदमत का आज उनको मौका मिला है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग और रिस्पांस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है। और यहाँ से भी जिसको नहीं मालूम है उनको मालूम कराओ और फ्री लाइसेंस बोले तो बहुत बड़ी बात है। आज कितने चक्कर काटने के बाद लाइसेंस नहीं मिलता है, आज RTO ऑफिस को कितने लोग जाते हैं तो भी उनको नहीं मिलता है। अपने यंग जैसे लड़के रहते हैं 2-व्हीलर के लाइसेंस नहीं है तो पुलिस ट्रैफिक कितना उनको पकड़ती तंग करती। लाइसेंस बहुत बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ में मतदान भी बहुत ज़रूरी है।
और मतदान भी जल्दी नहीं मिलता है। हमारे अजहर भाई ये काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको ऐसी ही हिदायत दे और ऐसे ही काम करते रहे। और आज उनके सालगिरह के मौके पर अजहर भाई तुम जियो हज़ारों साल, हज़ार साल के दिन हो 50,000 साल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 अगस्त 2023 अजहर हुंडेगिरी इनके सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए इनके तरफ से जो प्रभाग में प्रशासकीय कामों का एक कैंप रखा गया, इस कैंप के ताल्लुक से प्रशासन में काम करने वाले लोगों से जो तकलीफ होती मतदारों को, वो तकलीफ न हो और एक अच्छा काम है प्रशासन में। यानी आरटीओ ऑफिस में जाने के बाद एजेंटों का फॉर्म भरने का, ये सभी झमेले हमारे लोगों को कम पढ़े लिखे रहने से तकलीफ दे होता है, और उस तकलीफ़ को दूर करने की बड़ी अच्छी कोशिश हमारे अजहर से हो गई, वो हकीकत में काबिल तारीफ है। प्रशासन के मतदार हो चाहे आरटीओ हो, जो भी काम है ऐसे काम के कैंप हमेशा लगाए, ऐसी मैं अपने बाग के लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ। और फिर एक बार हमारे अजहर को उसके सालगिरह के तौर पे बधाई देते हुए सहारा नगर 2 हैप्पी ग्रुप की तरफ से मुबारकबाद देते हुए अपने बात को ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जैसे कि कल हमने ऐलान किया था और न्यूज़ में दिया था कि प्रभाग 21 और 20 के तमाम नागरिकों के लिए, मतदारों के लिए फ्री में मतदान नोंदनी का शिविर रखा गया है सहारा मल्टीपर्पज़ हॉल में। और ये दोनों प्रोग्राम, ये ड्राइविंग लाइसेंस का, फ्री लाइसेंस का जो रखा गया है, एक रुपया चार्ज ना लेते हुए MIM पार्टी हाजी फारूक भाई शाब्दी इनकी जानिब से और मेरे सालगिरह के मौके पर सहारा यूथ फाउंडेशन की तरफ से हमने ये प्रोग्राम रखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों भी काम, आपके मतदान नोंदनी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरह सुबह से हमको रिस्पांस मिल रहा है, लोग जैसे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं अपने लाइसेंस के लिए और मतदान नोंदनी के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले शाम के 4 बजे तक यह आंकड़ा 500 के ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। मटन चिकन साठी प्रसिद्ध असलेले सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल बड़े मियां, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीक, चिकन 65 आदि मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बड़े मियां। मटन मध्ये बीफ मटन राइस, बीफ चीज अंगुरी, बड़े मियां स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कड़ी, खीमा मसाला। चिकन मध्ये चिकन राइस, चिकन मालवणी, स्पेशल बड़े मियां चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन मसाला, असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बड़े मियां। आमचा पता हॉटेल बड़े मियां, विजापूर बेस, सोलापूर।